जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय एम्स एकेडमी पालमपुर। आज जो हम करेंगे, पिछले सालों में जितने भी परसेंटेज बेस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को आज हम अटेम्प्ट करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं परसेंटेज बेस लेवल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा जो एचपी पटवारी 2015 में पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 1/4 ऑफ द नंबर इज 17, मतलब क्या कि किसी संख्या का 1/4 17 है, व्हाट इज द 45% ऑफ द नंबर, तो वे संख्या का 45% क्या है। मतलब स्टार्टिंग में हमें फ्रैक्शन दी हुई है, बाद में हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, या तो दोनों को परसेंटेज में सोचो या तो दोनों को फ्रैक्शन में सोचो। तो मैं दोनों को पहले परसेंटेज में सोचता हूँ, तो मैंने 1/4 को परसेंटेज में बदल दिया। तो परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय के जो कितना हो जाएगा 100, 4 से काटा कितना आ गया दोस्तों, 25% आ गया। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। देखो, किसी संख्या का 25% 17 है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि किसी संख्या का 25% कितना दोस्तों, 17 है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद मुझे बताओ कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 17/ कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया। अगर हमसे वो संख्या पूछता तो मुझे पता कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो मैं उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देता। पर हमसे क्या पूछा है कि उस संख्या का 45% क्या होगा, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, 45% से के मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 17/25 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 45 हो गया। 5 से काटा 5, 5 से काटा कितना आया 9, और 17 9 कितने होते हैं दोस्तों, 153 होते हैं। तो अपॉन कितना आ गया, 5 आ गया। अगर मैं इसे काटूंगा दोस्तों 30 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, पर थोड़ा लंबा हो जाना था। तो देख लेते हैं पर कितना लंबा हो जाता। देखो, 1/4 दिए हुआ, तो इस 45% को भी क्या करता दोस्तों, मैं फ्रैक्शन में बदल देता। तो इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मतलब बदल देता हूँ। तो इसको अगर मैं बदला दोस्तों, मैंने क्या लिखा दोस्तों कि 45% को फ्रैक्शन में बदला, तो 45/ कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। 5 से काटा कितना है 9, 5 से काटा कितना 20 आया, मतलब 9/ कितना आ गया, 20 आ गया। स्टार्टिंग में हमें किसी नंबर का 1/4 दिया होता, मतलब दोनों का नंबर सेम है, तो मतलब ये नीचे जो मेरा बेस है दोनों का सेम होना चाहिए था। तो 4 को सेम करना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कितना आ गया, 5/20 आ गया, और 9/ कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब क्या कि दोनों का बेस सेम हो गया, तो आपके बताओ वो संख्या कितनी आ गई, 20। मतलब हमें 5 की वैल्यू स्टार्टिंग में बोला कि हमें 5, तो 5 का जो भाग है वो, मतलब 20 का जो भाग करूंगा मैं 1/4, वो 5 आएगा। मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी हुई दोस्तों, 17 दी हुई एग्जामर के मुताबिक। तो मतलब 5 किसके बराबर आ गया, 17 के बराबर आ गया। तो 1 किसके बराबर आ गया, 17/ कितना आ गया, 5। तो मुझसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या निकालना दोस्तों, 9, 9 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर हमारा घूम फिर के कितना आ गया दोस्तों, 30.6 आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से भी कर सकते थे, फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, मैंने आपको पूरा सिखाया हुआ है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एग्जामिनेशन 94% स्टूडेंट पास एंड 140 स्टूडेंट फेल, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी अगर एग्जाम में बैठे होंगे, टोटल जो एग्जाम में बैठे होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो टोटल एग्जाम में बैठे होंगे वो कितने होंगे, 100% हो गए। बोल रहे हैं कि उसमें जो 94% है वो पास हो गए, पास्ड हो गए। तो मैंने दिखा कि वो 94% छात्र क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए। बोले 114 छात्र क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। तो मुझे मुझे बताओ कि मैं पहले परसेंटेज में सोच रहा हूँ, तो मैं पहले परसेंटेज में सोच लेता हूँ कि 100% अगर टोटल थे, 94% क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए, तो कितने फेल हो गए होंगे दोस्तों, 6% क्या हो गए होंगे दोस्तों, फेल हो गए। तो एग्जामर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता, तो किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी, फेल की। तो फेल कितने दिए दोस्तों, 114 दिए हुए हैं। तो दोस्तों, तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई, 114 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 114/ कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अगर इसको 2 से काटा कितना आया दोस्तों, 3 आया। 2 से काटा कितना आया, 5, और 1 कैरी किया दोस्तों, कितना हो गया, तो 5/7 कितने होते हैं दोस्तों, 2/7 कितने होते हैं, 14। 3 से काटा कितना आया, 3/1 3, 2 कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 19 आ गई। तो अपने आप में टोटल कितने होंगे दोस्तों, 100% हो गए। 100% से मल्टीप्लाई किया कर दिया तो 19 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, 100 आ गया। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1900 आ गया। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1900। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में सोच सकते थे? हाँ बिल्कुल सोच सकते थे। हमें फ्रैक्शन दी हुई थी दोस्तों कि जो पास है वो कितने हैं दोस्तों, जो पास है मतलब 94% पास है। मैंने 94% की फ्रैक्शन बना ली, तो 94 अपॉन कितना आ गया, 100। 2 से काटा कितना, 4। 2 से काटा कितना आया दोस्तों, 7। और 2 से काटा दोस्तों कितना आ गया, 50। तो कितना आ गया, 47 अपॉन कितना आ गया, 50। जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है तो उसकी वैल्यू कहाँ जाती है दोस्तों, ऊपर। तो आपके मुताबिक जो पास
पास हो गए वो कितने हो गए दोस्तों, 47। नीचे क्या था हमेशा टोटल, तो आपके मुताबिक जो टोटल होंगे वो कितने होंगे, 50। तो आपके मुताबिक जो फेल हुए होंगे वो कितने हुए होंगे दोस्तों, 3 हुए होंगे। तो एग्जामर ने किसकी वैल्यू दी है, फेल की वैल्यू दी है, तो आपके मुताबिक फेल 3 है, तो आप लिखो मेरा 3। एग्जामर का कितना दोस्तों, 114, तो आप लिख दो 114। तो फिर लिखो मेरा एक, एग्जामर का कितना आ गया, 114 बटा कितना आ गया 3, 3 से काटा 3 3 9 2, एक कितना आ गया 38 आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल कितना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो घूम फिर के आंसर भी क्या आया दोस्तों, 1900 आया। तो मतलब क्या, एग्जामर के मुताबिक कितना आंसर आया दोस्तों, 1900 आया आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये एचपी पटवारी 2015 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो एचपी पटवारी 2016 में आया था, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ऑफ 60% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ऑफ 40% कोमा एक्स वाई व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्स। मतलब क्या कि वाई कोमा एक्स का कितना प्रतिशत है, मतलब हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। मतलब तो वाई कोमा एक्स का लिखा हुआ, तो मुझे पता है कि वो किसकी परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, एक्स की परसेंटेज पूछ रहा है। और किससे पूछ रहा है, एक्स का मतलब क्या है दोस्तों, एक्स से पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो एक्स माइनस वाई है वो 60% है इजिकल टू एक्स प्लस वाई 40%। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी बड़ा इजी है दोस्तों, कभी भी ये मल्टीप्लीकेशन में तो सामने इजिकल टू, मल्टीप्लीकेशन में तो आप डायरेक्ट काट दो, परसेंट से परसेंट काटा, जीरो से जीरो काटा, दो से काटा कितना आया 3, दो से काटा कितना आया दोस्तों, मतलब दो से काटा कितना आया 2 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया दोस्तों, 3x आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया, 3y आ गया। सेम टू सेम इसको भी ऐसे कर दो कितना आ गया दोस्तों, 2x आ गया, प्लस कितना आ गया 2y आ गया। x वाले एक तरफ कर दो, बिना x वाले एक तरफ कर दो, तो 3x इधर ही रहा, इस तरफ आ गया x वाला, तो माइनस के 2x हो गए, और ये क्या 2y इधर ही रहा, माइनस के इस तरफ चले गए दोस्तों, क्या हो गए, प्लस के 3y हो गए। तो दोनों को प्लस माइनस माइनस किया तो एक्स आ गया, और प्लस कर दिया कितना आ गया 5 आ गया आ गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इधर ही रहा, वाई कहाँ आ गया दोस्तों, नीचे आ गया, और यहाँ 5 कहाँ रहा दोस्तों, ऊपर आ, जहाँ जो 5 के नीचे कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो देखो अब देखो सामने दिख रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई, और सामने वाई के सामने क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन होना था। अभी हमसे पूछ क्या रहा है, पर यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों वाई कोमा एक्स का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसके पीछे ऑफ आए या पहले ऑफ आए, और जिसके पीछे का आए उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाती है दोस्तों, नीचे लिखी जाती है। तो मतलब हमसे वाई की परसेंटेज पूछ रहा है, तो वाई की परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, वाई की वैल्यू कितनी, 1। जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, ऊपर। किससे पूछी जाती है, एक्स से। तो एक्स की वैल्यू कहाँ लिखूंगा दोस्तों, नीचे। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाता है दोस्तों, 100 आ जाता है। 5 से काटा कितना आ गया, 20 आ गया। तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 20% आ गया। ऑप्शन मतलब ऑप्शन आ गया दोस्तों बी, 20% आ गया। ये एचपी पटवारी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब इस ए सेव 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मतलब कि ए सेव करता है, कितना सेव करता है मंथली सैलरी का, 20% सेव करता है। इफ़ मंथली सैलरी का जो एक्सपेंडिचर है वो स्पेंड करता है, वो कितने करता है दोस्तों, 6000 स्पेंड करता है। एंड हिज मंथली सेविंग इज, मतलब क्या, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, हमसे क्या पूछ रहा दोस्तों, बचत पूछ रहा। तो मैंने बोला कि या तो आप इसको परसेंटेज में सोच लो या तो फ्रैक्शन में सोच लो। तो चलो पहले परसेंटेज में सोचते हैं, उसकी जो इनकम होगी वो अपने आप में कितनी परसेंट होगी दोस्तों, 100% होगी। अगर वो अपनी इनकम का 20% सेव करता है तो वो कितने खर्च करता होगा, 80% खर्च करता होगा, स्पेंड करता होगा, मैंने लिख दिया भाई स्पेंड करता है। तो मेरे मुताबिक कुछ होगा नहीं, एग्जाम ने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी कि वो कितना खर्च करता है, बोला कि वो 6000 खर्च करता है। तो मतलब क्या, स्पेंड की वैल्यू दी हुई दोस्तों 6000 खर्च करता है, तो कौन सी परसेंटेज मैच करेगी, 80% की मैच करेगी। तो आपका 80% एग्जामर का कितना आ गया, 6000 आ गया। आपका 1% कितना आ गया दोस्तों, 6000 अपॉन कितना आ गया, 80 आ गया। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 4, 2 से काटा 300, अब मैं 4 से डायरेक्ट काटते तो 4 7 जा 28, 2 आ गया दोस्तों, कितना आ गया 5 आ गया। 1% की वैल्यू आ गई 75 आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वो कितने मतलब सेव करता है। तो 1% की वैल्यू अगर 75 है तो वो सेव कितने करता दोस्तों, मेरे मुताबिक 20 करता। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको अगर मैं करूँगा 0 0 1, कितना 1400, मतलब वो कितने सेव करता है, 1500 सेव करता है। क्या इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे दोस्तों। मैंने सेव मतलब सेव करता है 20% सेव करता है,
लगता है मैंने सेब की फ्रैक्शन बनाई तो कितना होगा दोस्तों, 20/100 होगा, तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता तो उसकी वैल्यू कहाँ जाती है, ऊपर। तो मतलब आपके मुताबिक कितने सेव करता है, 1 रुपया, तो नीचे का आ जाता टोटल। टोटल मतलब क्या आ गई दोस्तों, उसकी इनकम आ गई। अगर 5 रुपये कमाता है मेरे मुताबिक, 1 रुपया सेव करता है, तो खर्च कितने करता है, मेरे मुताबिक 4 खर्च करता है। पर आपके मुताबिक कभी भी क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा, एग्जामिनर हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है कि वो खर्च करता है 6,000, तो आप कितना खर्च करते हो, 4, तो आपका 4 एग्जामिनर का कितना आ गया, 6,000 आ गया। फिर हमेशा एक वैल्यू निकालो, आपका एक एग्जामिनर का कितना आ गया, 6,000/4 आ गया, 4 से काटा कितना आ गया, 4 1 जा 4 2 4 5 जा कितना आ गया, 1500। तो आपके मुताबिक सेव कितने करता है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1500 हो गया आगे। तो भी आंसर कितना आया दोस्तों, 1500 आया। तो आप क्वेश्चन परसेंटेज में सोचो या तो फ्रैक्शन में सोचो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर सोचना आपको है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो SSC CHSL 2018 में पूछा गया दोस्तों, कि अ पर्सन सैलरी हैज़ इंक्रीज 7,200 to 8,100, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन दिस वैल्यू। मतलब क्या, एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर 8,100 रुपये हो जाता, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। मतलब क्या कि मेरा पहले 72 कितना, मेरा जो मतलब जो वेतन था वो 7200 रुपया था, अब कितना हो गया दोस्तों, 8,100 हो गया। नेचुरल है मेरे वेतन में क्या हुई दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है। कितनी के मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा जो पुराना वेतन था वो इतना था, तो यहाँ पर नया वेतन बना, तो नया वेतन बना, तो हमसे पूछ रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले तो आप ये सोचो कि कितनी वृद्धि हुई, 900 रुपये की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई उसके वेतन में। पर ये जो वृद्धि है, पर ये दोस्तों किस में पूछ रहा है दोस्तों, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हमने परसेंटेज बनाने तो सीखी हुई है पार्ट वन में, तो देखते हैं दोस्तों क्या इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो देखते हैं, देखो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है दोस्तों, ऊपर। तो मैंने कहाँ लिख दिया दोस्तों, ऊपर। अब ये वेतन किससे बढ़ा दोस्तों, ये 7200 से बढ़ा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ गई दोस्तों, नीचे आ गए, और मल्टीप्लाई बाय के कर दिया दोस्तों, 100 कर दिए। ये हमने सीखा हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 9 से काटा कितना है, 8, और 1/8 अगर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12.5% आ जाएगा। मतलब उसके जो इनकम में कितनी वृद्धि हुई है, 12.5 की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। मतलब ये SSC मतलब 2016 में पूछा गया, मे बी ये GD में पूछा गया होगा क्वेश्चन ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। मतलब क्या कि 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसके पीछे कहा जाता है वो क्या आ जाती है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। मतलब किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, वो 2/3 की परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमने सीखा हुआ है जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, ऊपर। जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसे कहां लिखा जाता है दोस्तों, नीचे, और मल्टीप्लाई बाय कितना दोस्तों, 100। पर ये तो 4 बन गए, तो मैंने सिखाया होगा आप, ये 3 कहां चले जाएगा यहां पर, ये 1 कहां चले जाएगा यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 2 × 3/3 × 1 × कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। 3 से 3 काटा और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया दोस्तों, 200% आ गया। मतलब क्या कि मतलब वो कितना परसेंट है, 200% है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो IBPS क्लर्क 2018 में पूछा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3.5 kg इज 70 ग्राम। मतलब क्या कि 3.5 किलो का आ गया इसके पीछे, कितना प्रतिशत है, कितना मतलब 70 ग्राम। मतलब किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है दोस्तों, 70 ग्राम की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो मैंने लिख दिया भाई 70 ग्राम कहाँ लिख दिया दोस्तों, ऊपर, क्योंकि जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, ऊपर लिखी जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है दोस्तों, नीचे। तो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है 3.5 kg दी, तो मैंने बोला जब भी वैल्यू पुट करनी है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 3.5 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे दोस्तों, 3500 के हो जाएंगे दोस्तों, ग्राम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ गए दोस्तों, नीचे आ गए, मल्टीप्लाई बाय कर दिया दोस्तों, 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 7 से काटा कितना आया, 10, 7 से काटा 5, 5 से काटा कितना आया, 2% आया। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2% आ गया। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा देखते हैं, जो SSC GD 2013 में पूछा गया था दोस्तों, देखते हैं कि इफ़ द 70% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल आज द बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी, इतनी द 504 है। मतलब द नंबर ऑफ द बॉयज, मतलब क्या कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या इतनी है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों या तो इसको क्वेश्चन को परसेंटेज में सोच लो, या तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में सोच लो। कोई भी अगर टोटल जो कुल विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 100% होंगे। तो मैंने लिख दिया भाई 100% है। बोला कि उसमें जो लड़के हैं
हैं वो 70% है, तो मैंने लिख दिया भाई 70% है, तो ऑटोमेटिक मैं लिख सकता हूँ कि जो लड़कियाँ होंगी वो कितनी होंगी दोस्तों, वो लड़कियाँ होंगी दोस्तों 30% होगी, तो मैंने लिख दिया भाई 30%, पर मेरे मुताबिक कुछ होगा नहीं, एग्जाम ने किसकी वैल्यू दी है, लड़कियों की संख्या इतनी है, तो मतलब 30% की वैल्यू कितनी दे दी है, 504 दे दी, बस कंपेरिजन हो गया, तो आप लिखो मेरा 30% एग्जामर का 504, हमेशा 1% की वैल्यू निकालो, मेरा 1% एग्जामर का आ गया 504 बटा कितना आ गया 30, 3 से काटा 10, 3 3 बन जा 3, 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 मतलब और कितना आ गया 2, 3 8 जा 24, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों 70, तो मुझे मतलब मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी 168/10 आ गया, हमसे पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं, तो लड़के 70 हैं, तो 70 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमसे पूछा होता कुल तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता था, 0 से 0 काटी, 7 8 जा कितना होता है 56, 5 7 6 जा 42, 42 में 5 डाले कितना होता है 47, और कितना आ गया 4, 7 1 जा 7, 7 कितना 1136 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, फ्रैक्शन में कर सकते थे, तो मैं क्या करता कि 70% लड़के हैं, मैंने 70% लड़के हैं तो फ्रैक्शन में बदला, तो कितना आ गया 70 बटा कितना आ गया 100 आ गया, 0 से 0 काटा, 107 बटा कितना आ गया 10, जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता तो उसकी वैल्यू कहाँ जाती है दोस्तों, ऊपर आ जाती है, तो मतलब आपके मुताबिक जो लड़के हैं वो कितने 7 है, नीचे कुल आता है तो मतलब कुल आपके कितने आ गए दोस्तों 10 आ गए, तो लड़कियाँ कितनी होंगी आपके मुताबिक 3 होंगी, तो लड़कियाँ आपने लिख दिए 3 होगी, पर आपके मुताबिक कुछ होगा नहीं, एग्जाम तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, तो आपके मुताबिक लड़कियां कितनी 3 है, एग्जाम के मुताबिक कितनी दोस्तों 504, आपने कंपैरिजन कर दिया, हमेशा एक की वैल्यू निकालो, आपका एक एग्जाम का कितना आ गया 3 अपोन कितना आ गया 3, 3 से काटा 3, 3 बन जा 3, 2, 3 जा 18 कितना आ गया 2, 3 8 जा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 168 आ गई, हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि लड़के कितने हैं, तो लड़के पूछ रहा है तो आपके मुताबिक लड़के कितने हैं दोस्तों 7, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर भी एग्जाम के मुताबिक सेम आ जाएगा, तो इस तरह आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आर्मी क्लर्क में पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एलोय देयर इज़ ए 12% ऑफ कॉपर, मतलब इन एलोय मतलब कोई एलोय है उसमें 12% क्या है दोस्तों कॉपर है, टू गेट 69 किलो ऑफ द कॉपर, जो कॉपर है वो 69 केजी है, हाउ मच एलोयज विल बी रिक्वायर्ड, मतलब एक मिश्र धातु के तांबे में 12% होता है और 69 किलो क्या है दोस्तों तांबा है, तो कितना मिश्र धातु उसको प्राप्त होता है, तो मुझे बताओ कोई भी जो मिक्सचर होगा वो अपने आप में कितना होगा दोस्तों 100% होगा, मतलब उस मिक्सचर में जो कॉपर है ना, जो कॉपर है दोस्तों, जो कॉपर है वो कितना दोस्तों 12% है, तो मैंने लिख दिया भाई 12% है, पर एग्जामिनर ने दिए कि जो कॉपर वो 69 है, मतलब वो सीधा सीधा हमने उसने कह दिया दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है कि कॉपर की दे दी है, मतलब कॉपर 12% एग्जामिनर के मुताबिक 69 है, तो बस कंपैरिजन क्या हो गया, बस जैसे आपने कंपैरिजन किया आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया कि आपका 12% एग्जामिनर का 69 आ गया, हमेशा 1% की वैल्यू निकालो, आपका 1% एग्जामिनर का कितना आ जाएगा 69 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 से काटा कितना है 2, 3 से काटा 3 और 3 से काटा कितना आ गया 4 आ गया, मतलब क्या हो गया 1% की वैल्यू कितनी आ गई 23/4 आ गया, हमसे क्या पूछ रहा है वो मिक्सचर में पूछा, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 23/4 मल्टीप्लाई भी कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया, 4 से काटा कितना आया दोस्तों 25 आया, 25 से कितना होता है 75, 7 25 दूसरे कितना होता है दोस्तों 50, 50 में 7 डाले कितने होते हैं दोस्तों 575 होते हैं, मतलब एग्जामर के मुताबिक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्जामर के मुताबिक कितना दोस्तों 575 का वो मिक्सचर है, क्या इसको आप फ्रैक्शन में कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे दोस्तों, कॉपर कितना दिया 12% दिया, 12% की फ्रैक्शन बनाई दोस्तों तो 6 काटा 3 काटा तो मतलब आ गया दोस्तों 3 बटा कितना आ गया 25 आ गया, तो मैं यहाँ साफ सुथरा लिख देता हूँ 3 बटा कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया, मतलब आपके मुताबिक क्या कॉपर कितना दोस्तों 3 है, मतलब जब भी किसी परसेंटेज निकाली जाती है उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है दोस्तों ऊपर, जो मिक्सचर है वो आपके मुताबिक कुल कितना है दोस्तों 25 है, मतलब 3 की वैल्यू सीधी सीधी दी है, तो 3 किसके बराबर दी हुआ 69 के बराबर दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 69/3 आ गया, 3 से काटा 2, 3 से काटा 3 तो एक की वैल्यू आ गई 23, आपसे क्या पूछ रहा हूँ वो मिक्सचर, तो 25 से क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दी, जैसे ही मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो भी घूम फिर के आंसर कितना आया दोस्तों 575 आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में से कर सकते थे। चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। जय माता दी।